हाय गाइस आज मैं करने वाली हूँ एक चिट चैट गेट रेडी विद मी और एक प्रोडक्ट रिव्यू बट उससे पहले सो so, ये क्यों हुआ ये देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अभी मैं एकदम ऐसा लग रहा है सो के उठी हूँ और ये था प्रोडक्ट जिसकी मैं रिव्यू करने वाली हूँ बाल मेरे हो चुके हैं बिल्कुल वाइट कलर मैंने पता नहीं कब से नहीं कराया था सो so, uh, इसको साइड रखते हैं मेरे बालों पर आप ध्यान मत देना और मेरे मेकअप पे भी एक्चुअली ध्यान मत देना आज मैं सिर्फ बात ही करने वाली हूँ आपके साथ में बिकॉज मेकअप तो मैं आपको नहीं सिखा सकती आई एम जस्ट अ बिगनर आई आई नो ओनली द बेसिक्स वो भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ मैं सो so, uh, शुरू करते हैं आज की वीडियो और बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या तो अभी रेडी हो रही हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू के लिए एक मस्कारा का रिव्यू वीडियो बनानी थी मुझे उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ सो so, बहुत ही बेसिक मेकअप करना था बट बेसिक मेकअप में भी प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे यूज हो जाते हैं आई एम am... मेरी पूरी वीडियो में आपको जो प्रोडक्ट्स दिखेंगे आई एम श्योर आपके घर में आपके पड़ोसी के घर में कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के पास में वो प्रोडक्ट जरूर होंगे कोई भी ऐसे बहुत ही लग्जरी मेकअप नहीं है बहुत बेसिक से प्रोडक्ट्स हैं लैकमे मेबलीन एंड यही सारी जो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं सो so, स्टार्ट uh, करते हैं लेटली आई हैव गेंड अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम माय वीडियोस एंड आई हैव हिट फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स पचास हजार फाइनली हो गए हैं मेरे सब्सक्राइबर तो इसीलिए मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के में, बहुत सारे नए लोग हैं जो मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं सो so, मेरा नाम है प्रियता सिसोदिया और मेरी शादी हो चुकी है तो अब प्रियता सिसोदिया काराकोटी सरनेम है मेरा आ, यूपी से हूँ मैं और मेरी शादी हुई है उत्तराखंड में कुमाऊँ में तो मैं एक कुमाऊनी बहू हूँ ऑल दो मैं वहाँ का कोई कल्चर फॉलो नहीं कर पाती हूँ <laughs> क्योंकि मुझे लिटरली लैंग्वेज समझ नहीं आती और uh, मैंने नोज़ अपनी पी नहीं कराई थी बिकॉज मैं मुझे वीडियोस के लिए बहुत बार ऐसे होता है कि ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ uh, ज्वेलरी नहीं पहननी है आपको बहुत ही बेसिक सिंपल रहना है सो दिस इज़ समथिंग जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ एंड माय मदर इन लॉ अंडरस्टूड इट तो उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया तो शादी पर क्या होता है शादी पर बहुत बड़ी नथ होती है जो पहाड़ी लोग पहनते हैं वो मुझे ऑब्वियसली पहननी थी अपने फेरों पर तो उन्होंने uh, मेरे लिए जो ऐसा पेच वाली होती है वो वाली नथ बनवाई थी एंड इट वॉज सो सो क्यूट और वो ऑल तो गिरती रहती है बट जब भी कोई पूजा होती है सो आई वेयर दैट मैं एक फ़ोटो लगा दूँगी वो सारी चीज़ों की जो कि एक कुमाऊनी बहू पहनती है पिछौड़ा आपका गुलबंद नथ वगैरह जो भी चीज़ें हैं सो so, um, मेरे लिए ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज न्यू ऑल दो मुझे अभी तीन साल हो गए हैं उत्तराखंड में रहते रहते आई स्टे इन जिम कॉरबेट रामनगर सो so, यहाँ पे पहाड़ ये पहाड़ नहीं है मतलब आई लिव नियर द रिवर मेरे घर के जस्ट पीछे नदी है कोसी नदी तो पहाड़ दूर से दिखते हैं पहाड़ पर मैं नहीं हूँ मैं नदी किनारे हूँ बट द वेदर इज़ स्टिल फार बेटर देन एन सी आर जहाँ से मैं आ रही हूँ बट uh, फिर भी मतलब यहाँ पे गर्मी होने लग गई है इवन अक्टूबर में अभी इस टाइम पर भी एसी चल रहा है सो so, उत्तराखंड भी अब बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है थैंक्स टू मेरे जैसी ये लड़कियाँ जो कि आते यहाँ पर एसी लगवा लेते हैं सो so, वो और गर्मी कर रहे हैं एनी anyway, वे uh, ये थी मेरे ससुराल और मेरी शादी की बात uh, पढ़ाई के बारे में मैं बात करूं सो आई हैव डन एम बी ए चार पाँच साल पी एच डी अपनी की है ऑल दो कोरोना बीच में आ गया था तो कोविड की वजह से मैंने uh, उसको ड्रॉप कर दिया एंड आई डिड नॉट सबमिट माई थीसिस विच वॉज ऑल ऑलमोस्ट डन एंड द टॉपिक वॉज माइक्रो फाइनेंसिंग सो so, गरीब औरतों के ऊपर मेरा डेटा चल रहा था मैं खुद अब गरीब हो गई हूँ सो so, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ऊपर ही बना लेनी चाहिए थी शायद अपने थीसिस दैट वुड हैव बीन बेटर बट प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा जो डेटा था जिन औरतों के ऊपर था वो औरतें बहुत सारी ऐसी थी जो कि कोविड um, की वजह से अपने शहरों में जा चुकी थी दिल्ली छोड़ के और मेरा डेटा पूरा दिल्ली का था सो आई जस्ट आई क्विट दैट एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट कॉन्टेंट से पहले आई वॉज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ ज और उसके बाद मैंने स्कूल में भी टीचिंग की है बट दोनों ही काम मेरे को बहुत बोरिंग लग रहे थे तो उसके बाद से मैंने सोचा कि घर पर बैठे बैठे कुछ करते हैं एंड ऑफ कोर्स वॉट बेटर देन कॉन्टेंट क्रिएशन तो मुझे तीन साल से ऊपर हो गए हैं कंटेंट क्रिएशन करते करते एंड आई एम फाइनली एट अ स्टेज जहां पे मुझे बैड uh, कमेंट्स अब फाइनली जाके बुरे नहीं लगते हैं जहां पर कम व्यूज अब मुझे अफेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड एक क्रिएटर की जर्नी Yeah, बहुत ही लक्की होते हैं कोई जो जो शुरू में ही वायरल हो जाते हैं बट दैट इज़ हाउ मोस्ट ऑफ़ द क्रिएटर्स आर उनको सालों लग जाते हैं उस मुकाम पे पहुंचने के लिए एंड uh, अब बहुत ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ एन इन्फ्लुएंसर बेसिकली मैं उस उस टाइम पर आई हूँ एंड मोस्ट ऑफ दोज गर्ल्स आर लाइक हाफ माई एज सब के सब जैसे बीस इक्कीस साल की लड़कियां हैं एंड आई एम थर्टी so, फोर सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ उनसे सो <laughs> so, ये भी एक फैक्ट uh, है कि जो मेरी एज के जो इन्फ्लुएंसर्स अभी हैं उनके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हमें नहीं पता कि हम कौन सी एज uh, रेंज पे अब आ रहे हैं वी आर द नाइन्टीज किड बट वी स्टिल डोंट बिहेव लाइक दैट हमें वो बूढ़ा वाली फीलिंग आती नहीं है और जवान वाली भी नहीं आ रही है सो वी आर जस्ट स्टक इन बिटवीन आई आई एम श्योर जो नाइन्टीज़ के लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे सो so ये है बेसिक थोड़ी सी चीज़ें मेरे बारे में um, कंटेंट के मामले में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ uh, जब से शादी हुई है तब से मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो गई हूँ एंड मे बी दैट इज़ वाई मेरे फॉलोअ ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे बट आई एम ट्राइंग टू डू एवरी थिंग दैट आई कैन टू मैनेज माई जॉब वो भी करना घर का भी कुछ काम करना या फिर um, अपना कॉन्टेंट बनाना सो मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस इज डिफिकल्ट विच आई एम ट्राइंग टू मैनेज एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग बहुत सारे नए मेरे साथ जुड़े हो और um, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो विच इज़ लाइक एवरी थिंग टू मी राइट नाउ सो थैंक यू सो मच एंड मेरी बब्बक खत्म हो गई है अभी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ एंड वो है ये हिलरी रोडा एक न्यू ब्रांड आया इन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे एंड दे आर एक्चुअली क्वाइट गुड सो प्रोडक्ट ये है आप आई लैश का डिफरेंस देख सकते हैं एक्चुअली मेड अ हीज डिफरेंस टू माई लैशेज़ फॉल्सीज की ज़रूरत लग नहीं रही है आई हैव हुड आईज तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है वैसे मेरी आँखों पर मैं कुछ भी करूँ बट स्टिल मस्कारा अच्छा है और वाटर प्रूफ भी है कि मस्कारा का मुझे आम, ऐसे वाटर वाला वीडियो करनी थी जो अभी मैं करने वाली हूँ बट इट वॉज सो डिफ़िकल्ट आप जैसे पानी डालते हो और आँख खोलते हो तो सारा पानी आँखों के अंदर आ जाता है एंड दैट इज़ वाई दिस हैपेंड सो so, uh, रोने धोने के बाद में और थोड़ी सी और कोशिश करने के बाद में मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे क्योंकि मैंने दो तीन बार अटैम्प्ट किया बट फाइनली आई गॉट फ्यू क्लिप्स मतलब दो तीन सेकंड की क्लिप ही चाहिए थी बट मुझे मिल गई एंड आई फाइनली मेड द वीडियो सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो जो अभी मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी और ये मेरा फाइनल लुक बहुत ही मतलब दिस इज समथिंग दैट आई डू ऑल द टाइम बिकॉज इसके अलावा मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल में होनी तो करना आता भी नहीं है एंड स्पेशली द आईज आई कैन डू लॉर्ड ऑफ आई मेकअप सो दिस इज द बेसिक वन दिस इज़ द ओनली वन दैट आई नो एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा मेकअप आई थिंक दिस सूट्स मी एंड दिस इज वेरी सेटल वेरी बेसिक एंड आई लाइक इट आप कॉमेंट सेक्शन बताइए कि आपको कैसा लगा सो दिस इज़ इट आई होप आपको जो लुक है अच्छा लगा होगा मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में चलते हम बाय